हेलो एवरीवन, तो कैसे हो? आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बैनिश फ्रॉम द हीरोज़ पार्टी एपिसोड 2। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें रेड को दिखाया जाता है जो कि अपने शॉप में कस्टमर का इंतज़ार कर रहा होता है और वो कहता है पता नहीं सारे लोग कहाँ चल गए हैं, इस तरह तो मेरी सारी मेडिसिन ख़राब हो जाएंगे। शायद बारिश की वजह से यहाँ कोई नहीं आ रहा है। तभी वहाँ रीत आती है और रेड को लगता है कि वो कोई कस्टमर है। बाद में पता चलता है कि वो तो रित है। फिर वे दोनों आराम से बैठकर बातें करने लगते हैं। रित कहती है तुम्हें देखे हुए बहुत दिन हो गए थे और मुझे नहीं लगा कि तुम यहाँ जोल्टन में मिलोगे। हमें रित के बारे में बताया जाता है, वह एक बी रैंक एडवेंचरर है और उसका पूरा नाम रिजलेथ है और वह सेकेंड प्रिंसेस है लोगरबिया की। रेड कहता है लोगरबिया की प्रिंसेस यहाँ बुनिश में क्या कर रही है? रित कहती है मैं अपना फ्रीडम इंजॉय कर रही हूँ और कहती है हमारा नाम कितना मिलता जुलता है रित और रेड, और कहती है क्या तुम मुझे अभी भी याद रखे थे? रेड कहता है हाँ हम कॉमरेड थे। तो यह बात जायज़ है? यह बात सुनकर रित शर्मा जाती है। रित कहती है वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेड अपना पूरा स्टोरी बताता है। तब रित कहती है यह सही नहीं है, तुम तो बहुत दिनों से एडवेंचर रह चुके हो। तब रेड कहता है उस समय मैं जिम्मेदार था। रित कहती है यह सब झूठ है, तुमने अपनी पूरी कोशिश की थी इस पार्टी को बचाने में और तुम हमेशा सफल भी रहे थे। रेड कहता है अब पागल मत बनो, जब तक मैं पार्टी में था तब तक मैं अपने दोस्तों को मुसीबत में डालता था और यह अच्छा हुआ कि बिना किसी चोट के मैं रिटायर हो गया। रित कहती है लेकिन तुम्हें पता है रुति और बाकी लोग तुम्हारे बिना कैसा फील कर रहे हैं? रित कहता है वे लोग गेंडर को हरा चुके हैं जो कि चारों सेलेस्टियल किंग में से एक है और वे लोग ठीक हैं। फिर रित कहता है तुम्हारा चाय ठंडा हो गया है, मैं जाके दूसरा चाय बना लाता हूँ। रित उसे मना कर देती है। रित कहता है मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा था और मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छी चाय बना सकता हूँ और कुछ नहीं। रेड सोचने लगता है कि उसे हीरोज़ पार्टी से निकाल दिया गया है और वह कुछ नहीं कर सकता रुति के लिए। रेड चाय बना के लाता है और रित उसे सिप करती है और कहती है चाय बहुत अच्छी बनी है। तब रेड बताता है कि वह एक अच्छा कुक भी है। रित कहती है तो ये और भी अच्छा लगेगा कि हम और तुम एक दूसरे के लिए बने होते। फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रेड बताता है कि वे लोग कुछ साल पहले मिले जब वह साउथ के बॉर्डर में थे। एक शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेड के ग्रुप बैठे होते हैं। डैनन कहता है सभी का ध्यान वेस्ट की ओर है तो हमें उसे हरा सकते हैं। तभी वहाँ रित बैठी होती है, एक आदमी उसे छेड़ रहा होता है और वह कहता है मेरा नाम डीर है, नाम तो सुना होगा। फिर रित उसे उठा के पटक देती है और डीर का एक स्पेल करने ही वाला होता है। तब रित उसे रोक लेती है और कहती है तुमने गलत लड़की को चुना है। रित हीरोज़ पार्टी की ओर इशारा करके कहती है तुम्हें क्या लगा मुझे तुम्हारी ज़रूरत है? मैं लोगरबिया से हूँ और मुझे तुम जैसे हीरोज़ की ज़रूरत नहीं है डिमंस आर्मी को ख़त्म करने में। फिर वह अपने पैसे देकर चली जाती है। रेड कहता है रुति तुम उस पर ध्यान मत दो। तब डैनन कहता है उस छोटी सी लड़की में बहुत हिम्मत है। एरिस कहता है तुम्हें क्या लगता है कि वह कौन है? फिर वहाँ दो लोग बैठे होते हैं, वह कहते हैं वह लड़की एक हीरो है और उसका नाम रित है, वह एडवेंचरर है और वह इस एरेना में कभी नहीं हारी, हमें उस पर गर्व है। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। रेड रित से कहता है तुम अपने फीलिंग्स के साथ ईमानदार नहीं थी उस समय, तुम सच में चिड़चिड़ी थी। रित कहती है क्या मैं थी? रेड कहता है हाँ हम कई बार कंधे से कंधा मिलाकर कई लड़ाइयाँ लड़े लेकिन तुम हमेशा मुझसे शिकायत करती रही। फिर रित कहती है लेकिन मैं कभी कभी अपने फीलिंग्स के साथ ईमानदार थी। रेड कहता है कब? रित कहती है जब हम गांव के पहाड़ में थे। और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रित रेड से कहती है तुमने कोई प्रोग्रेस किया? वह कहता है नहीं। रित कहती है हीरोज़ पार्टी कुछ खास नहीं है जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की बात आए। रेड कहता है तुम सही हो, हमारे पास वैसा ब्लेसिंग्स नहीं है। तब रित बताती है वैसे हमने कुछ तो पता लगा ही लिया है, क्या तुम सुनना चाहोगे?
फिर कहती है, अगर तुम मुझसे रिक्वेस्ट करो और कहो मुझे प्रिंसेस रीत इस बेवकूफ़ को कुछ बता दो, मुझे अच्छा लगेगा तुम्हें बताने में। और यह कहकर वह गिर जाती है। रेड कहता है, इस बेवकूफ़ को कुछ बता दो प्लीज़, और लोगरविया को बचाने में मेरी जान भी चली जाए तो यह एक छोटी सी कीमत होगी मेरे लिए। रीत को यह सुनकर बुरा लगता है। तब रेड कहता है, मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारे अंदर भी कोई फीलिंग्स है। रीत गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली। रेड सॉरी कहता है और बोलता है, तुम्हें क्या पता चला? रीत बताती है, उसे अजीब सा ट्रैक दिखाई दिया गांव के आसपास और वह नॉर्थ की ओर से बन रहे थे। रेड बताता है, वहां पर माउंटेन कैबिन है और लोग वहां रुकते हैं। रीत कहती है, यह सच है लेकिन अभी सभी कटाई उत्तर पूर्व में हो रही है। तब रेड कहता है, यह अजीब है, कटाई तो हो रही है लेकिन कोई लकड़ी डिलीवर ही नहीं हो रही है, तो वह रास्ता कहाँ से आया और बाकी लकड़ियाँ गया कहाँ? रीत कहती है, मुझे पता नहीं और उन लकड़ियों का निशान भी नहीं है, तो गांव वाले इन सब का कंप्लेन क्यों नहीं करते? रेड कहता है, शायद वहाँ कोई बचा ही ना हो। फिर वह सोच समझ कर कहता है, तो ये सब डिमंस लॉर्ड आर्मी ने किया है। रेड रीत को अपने साथ इस लड़ाई में लड़ने के लिए कहता है। रीत उसे साफ मना कर देती है और कहती है, मैंने डेमन्स लॉर्ड आर्मी को 2 बार हराया है और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है इसमें। रेड कहता है, वे लोग उतने भी ताकतवर नहीं थे। रीत कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? और बताती है कि लोगरविया अपने ज़मीन में नहीं हारने वाली और हम हर एक लड़ाई जीतेंगे। रेड बताता है, एक बार ढेर सारे गोब्लिंस ने अटैक किया था, तब तुम्हारे लोगों ने हमसे मदद मांगा। और कहता है, तुम्हें किस बात पे इतना गर्व है? तुम तो उस वक्त कुछ नहीं कर पाओगी। रीत बोलती है, मैं अपना हिफाजत खुद कर सकती हूँ। और कहती है, मेरे पिताजी को भी सेना को कमांड सौंपने की ज़रूरत नहीं है और जितना भी रॉयल गार्ड है सब उन्हीं का है। रेड कहता है, तो मैं इस बात पर तुम्हारा हाथ नहीं तोड़ूंगा। और वह उसे कुछ खाने को देता है। रीत उसे खाती है और उसे वह चीज़ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वह उसकी तारीफ़ नहीं करना चाहती और कहती है, ये बुरा भी नहीं था और तुमने इसे कहाँ से ख़रीदा? रेड बताता है, मैंने उसे खुद बनाया है। सीन चेंज होता है, प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। रीत बताती है, वह उसकी ऑनेस्ट फीलिंग थी कुकी खाने वाली। रेड कहता है, और उस दिन के बारे में बताओ जब हमने फोर्स ज्वाइन किया था। रीत उस समय रेड को नेगलेक्ट कर रही थी। फिर रीत कहती है, अब बस भी करो, रहने दो। रेड सोच रहा होता है, रीत अपना फीलिंग शो नहीं करती है जब तक हम श्री चंदन से लड़े थे, और कहता है, उस लड़ाई के परिणाम के बारे में जश्न मनाने के लिए कुछ भी नहीं था। लोगरविया का सीन दिखाया जाता है। एक आदमी कहता है, दुश्मन का आक्रमण अभी के लिए रुक गया है लेकिन दानव बहुत है, हम बहुत पहले ही इसके आक्रमण को फिर से शुरू कर सकेंगे। फिर दूसरा आदमी कहता है, हमें जल्द ही कुछ करना होगा क्योंकि हमारे यहाँ खाना और तेल ख़त्म होना शुरू हो गया है, अगर युद्ध लंबा चला तो हम हार जाएंगे। रीत बताती है, हमारे दुश्मन एक ही बोट में है और मैंने पता किया है कि वे लोग पहाड़ में अपना खाना जमा करते हैं, तो हम लोगों को वहाँ हमला करना चाहिए। इस तरह हमारा जो मेन फोर्स है वह एनिमी को डिस्ट्रैक्ट करेगा और मैं अपने पार्टी को लीड करूँगी। तभी एक टकला आदमी कहता है, हम अपने प्रिंसेस को रिस्क में नहीं डाल सकते। दूसरा आदमी कहता है, अगर हमारे एनिमी पतला आर्मर पहने होंगे तो हम उसे आसानी से छेद कर सकेंगे। तभी हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम गायस होता है। गायस कहता है, मुझे प्रिंसेस का प्लान अच्छा लगा, मैं और रॉयल गार्ड उन्हें रोकेंगे और हीरोज़ पार्टी कैसल को डिफेंस करेगी, लेकिन वैसा नहीं होता है और वो गायस नहीं होता है। वो कहता है, मैं श्री चंदन हूँ और मैंने तुम्हारे मास्टर को नष्ट कर दिया है। रीत उस पर हमला करने वाली होती है लेकिन डिमन गार्ड उसे रोक लेता है और श्री चंदन कहता है, मैं तुम्हारे हीरोज़ को अपने काम में लाऊँगा और इस तरह मैं सारी दुनिया अपना बना लूँगा। तभी वहाँ अचानक रेड आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। रीत रेड से कहती है, तुम यहाँ कैसे? रेड कहता है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था कैसल में। और तुम रो मत,
फिर सिकंदर अपने असली रूप में आता है। रेड कहता है, जब तक रूती यहाँ नहीं आ जाती तब तक हमें इसे रोक रखना होगा। कुछ देर बाद वहाँ रूती आ जाती है और वह सिकंदर को आसानी से मार देती है। रेड रिद से कहता है, तुमने आज फिर वार काउंसिल अटेंड नहीं किया। रूम का सीन दिखाया जाता है। रेड रिद से कहता है, अगर तुमको नहीं लड़ना है तो ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें लड़ना चाहिए। रित रोते हुए कहती है, मैं बहुत डर गई थी और मैंने अपने मास्टर, रॉयल गार्ड और बाकी एडवेंचरर को खो दिया है। मैं उन सबको जानती थी जो लोग मारे गए, और अब मैं किसी और को खोना नहीं चाहती। और वह सोच रही थी कि वे सारे लोग उसकी वजह से मारे गए। रेड कहता है, हम उनके घेराबंदी को तोड़ने जा रहे हैं और हम उस फॉरेस्ट में जाएंगे और वहाँ मेरे साथी भी रहते हैं। रिद कहती है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं सब तुम्हारे हाथों में छोड़ रही हूँ। रिड कहता है, तुम्हें हमारा साथ देना होगा और इस हीरोज पार्टी को ज्वाइन करना होगा क्योंकि तुम हमारी साथी हो। फिर रिद को सारी बातें समझ में आ जाती है कि अगर हीरोज लोग वहाँ से चले गए और डेमन्स दोबारा लोगरविया में आ गए तो क्या होगा, इसलिए प्रिंसेस को लड़ना होगा। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। रेड कहता है, क्या तुम्हें भूख लगा है? रित कहती है, हाँ। तब रेड कहता है, मैंने आज बाज़ार से कुछ नहीं लाया। तब हमें पता चलता है कि रित वहाँ काम करना चाहती है रेड के साथ। रेड उसे काम में रखना नहीं चाहता था, इसलिए वह बहाने बनाना शुरू कर देता है। वह कहता है, मैंने अभी अभी अपना शॉप खोला है और मेरे पास किसी को हायर करने के लिए पैसा नहीं है। फिर रित कहती है, अगर तुम जड़ी बूटी लेने बाहर जाओगे तब तुम्हारे शॉप का ध्यान कौन रखेगा? अगर एक दिन भी शॉप बंद रहा तो तुम्हारा भारी नुकसान हो जाएगा। रेड कहता है, यह बात तो सही है, लेकिन मेरे शॉप में ज़्यादा कस्टमर भी नहीं आते हैं। रित कहती है, तुम्हारा बिजनेस जल्दी ग्रो करेगा। रेड बताता है कि उसके पास दो ओरिजिनल पोशन है, इससे कोई भी पोशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर रित कहती है, इस तरह तो तुम्हारा धंधा चौपट हो जाएगा, और कहती है, मैं तुम्हारे और भी करीब आना चाहती हूँ। फिर रेड उसके टॉपिक को काटते हुए कहता है, और ये एक पेन किलर है, और कहता है, जब भी तुम्हें टाइम मिले मेरी मदद करने आ जाना और मैं तुम्हें ज़्यादा पैसा नहीं दे पाऊँगा। यह बात सुनकर रित बहुत खुश हो जाती है। सीन चेंज होता है, रात का सीन दिखाया जाता है। दोनों डिनर कर रहे होते हैं। रित खाना खाते हुए कहती है, यह खाना बहुत टेस्टी है, और कहती है, काश मैं यह खाना हर दिन खा सकती, और कहती है, नाश्ता कितने बजे बन जाता है? रेड कहता है, 7 बजे। रित कहती है, तब तो मुझे जल्दी उठना होगा। रेड सोच रहा होता है, मतलब ये सुबह ब्रेकफास्ट में भी आएगी। रित कहती है, चलो अब मेरे लिए बाथटब तैयार करो, मैं उसका पैसा अलग से दूंगी। फिर रेड सोच रहा होता है, अब ये यहाँ नहाने के बारे में भी सोच रही है। फिर हमें पता चलता है कि रित अपना घर रेड के साथ बसाना चाहती है। सीन चेंज होता है, एरिस अपने साथ टीसी को लाता है जो कि अब हीरोज पार्टी की मेंबर बन चुकी थी, और उसके पास एसेसिन का ब्लेसिंग होता है। टीसी सबको धन्यवाद करती है और अपने पेट क्राउली से सबको मिलाती है। फिर सब लोग अपना अपना नाम ब्लेसिंग्स बताते हैं। मेरा नाम डेनन है और मेरे पास मार्शल आर्ट्स का आशीर्वाद है। एक लड़की कहती है, मेरा नाम थियोडोरा है और मेरे पास क्रूसेडर का ब्लेसिंग है। तब हमें पता चलता है कि रुति वहाँ पर सबसे मेन कैरेक्टर है, और वह टीसीस को कहती है, हमें एक वेपन को फाउंड करना है जो कि डिमन छोड़ गए हैं, और तुम मेरी कमांड फॉलो करोगी ना कि एरिस का। और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।